स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो गाइस आज है जो गणेश भगवान जी का स्थापना दिवस है, तो आप सभी को गणेश स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। तो आज हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 1 के गणेश पंडाल में, और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं यहां पे किस तरह से जो है पंडाल तैयार किया गया। वैसे तो सेक्टर 2 और सेक्टर 1 का जो है पंडाल बहुत ही सुंदर रहता ही है, लेकिन इस बार किस थीम पर जो है बनाया गया है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। कि मैं हूँ बाइक स्टैंड में, और बाइक स्टैंड से अब मैं जाने वाला हूँ। आज पहला दिन है तो थोड़ा जो है भीड़ भाड़ कम देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा, ये दो दिन होगा, फिर आपको यहाँ पे भीड़ भाड़ देखने को मिलेगा। तो अंदर चलते हैं और किस थीम पर जो है पंडाल बना हुआ है आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो गाइस इस तरह से देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह किया गया है, पेड़ वगैरह में देख सकते हैं मस्त सुंदर सा यहाँ पे लाइटिंग किया गया है। और ये पार्किंग स्थल है, और ये मेन रोड है, ये सेक्टर 5 के लिए जाएगा, और ये जाएगा मेन आगे जो है पावर हाउस के लिए। सामने में है ओवरब्रिज बना हुआ है। यहाँ का जो पंडाल किस तरह से जो बना हुआ है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। बाकी रोड के किनारे पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भगवान हनुमान जी का जो है लाइटिंग के द्वारा दिखलाया गया है। लाइट ज़्यादा होने की वजह से जो है कैमरा जो है कैप्चर नहीं कर पा रहा है। सामने में है भगवान कृष्ण भगवान, और साथ में माता राधा जी है। और यहाँ पे जो है पंडाल बना हुआ है। आज पहले दिन के हिसाब से देखो बहुत सारे जो है बाइक लगे हुए हैं, देखो लोग जो है आना जाना कर ही रहे हैं। तो आज पहला दिन है, सोचा कि आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत लोग जो है नहीं आ पाते, तो हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा। देखो इस तरह से जो है लाइटिंग वगैरह किया गया है, सामने में जो है रेलिंग वगैरह बना दिया गया है, दिखलाते हैं। और ये सामने में है मेन एंट्री गेट बना हुआ है, तो यहाँ से अपन अंदर चलेंगे। पहला दिन है, पहला दिन के हिसाब से देखते हैं कैसा माहौल है अंदर में। देखो गाइस तो अभी एंट्री गेट में हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देखो इस तरह से लाइटिंग वगैरह किया गया है, और देखो इस तरह से हम लोग आए हुए हैं। देखो यहाँ पे पूरा पार्किंग बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे तो जगह नहीं, तो साइड में ही सब बाइक वगैरह लगा के रखे हुए हैं। और यहाँ पे टिकट रहता है, देखते हैं कितना चार्जेस है। आज पहला दिन है, ले रहा है कि नहीं ले रहा है, पिछले साल ले ही रहा था, इस बार ले रहा है कि नहीं ले रहा है, देखते हैं अंदर में। चलो अंदर चलते हैं, अंदर आ चुके हैं। ये देखो मस्त एक नंबर जो पंडाल बना हुआ है भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है किंग कांग, तो जो किंग कांग थीम पर जो है पंडाल जो है बना हुआ है, देख सकते हैं ऊपर में जो है एक वहाँ पे बड़ा बंदर है, इसको क्या नाम बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे लिखा है VIP गेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे सामने में किंग कांग लिखा है। दूर से मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। और ये रेलिंग लगा के रखा हुआ है भाई, भीड़ जैसे जैसे बढ़ेगा तो लोग जो है इसी रास्ते से जाना करेंगे। अभी कम है तो आदमी जो है वहाँ से शॉर्टकट चले जाएंगे, बाकी जैसे भीड़ होगा तो देखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा लाइन लग रहेगा। जो है किंग कांग थीम पर बना हुआ है, और सामने में आपको दो बंदर नज़र आ रहा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं एक बंदर सामने में है और एक ऊपर में है, और एक बड़ा वाला जो है वो ऊपर में देख सकते हैं, और काले कलर में करके हो सकता है आप लोगों को वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है, कैमरे में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पब्लिक की अगर बात किया जाए तो पब्लिक धीरे धीरे अभी पहुँच ही रहा है। अभी टाइम की अगर बात किया जाए तो अभी 8:30 बज चुके हैं। ये देखो भाई इस तरह से है, अंदर में चलते हैं, और पूरे मतलब किंग कांग थीम में बंदर यहाँ पे अंदर में होंगे, झांकी के माध्यम से आप लोगों को दिखलाएंगे। और किस तरह से वहाँ पे है वो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। जिस हिसाब से यहाँ पे जो थीम बनाया गया है वो तो आपका किंग कांग बना हुआ है। ये देखो इस तरह से है भाई, एक नंबर। यहाँ का पंडाल भी बहुत सुंदर रहता ही है, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हो, आ तो पहला दिन है। चलिए अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखलाते हैं। दिख रहा है ना बड़ा सा आप लोगों को बंदर, एक नंबर बनाया गया इस बार की थीम। पिछले साल क्या बना था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। चलिए अंदर चलते हैं भाई, आप लोगों को दिखलाते हैं। देखो यहाँ पे ये बना हुआ है, और यहाँ पे देखो बच्चों को डराने के लिए यहाँ पे हमारे मतलब बच्चा है ये छोटा वाला, वो बन के तैयार हुआ है भाई। यहाँ पे बंदर बने हुए हैं, और यहाँ पे एक बंदर है जो बनाया गया आप लोगों को ऊपर में बाहर से दिखला रहा था ना, वो यहाँ पे बना हुआ है। ये देखो ये डराने के लिए यहाँ पे है भाई। और देखो अगर आप लोग आते हो तो यहाँ से लाइन से आ सकते हो, हम लोगों ने बात की है तो बात करके भैया से पहचाने वहाँ से अंदर हुए हैं अभी। चलिए इसके अंदर अपन चलते हैं, किस तरह से जो है थीम बना हुआ है आप लोगों को दिखलाते हैं। किंग कॉन्ग जो अभी आप लोगों ने मूवी अगर देखे होंगे ना, उसी थीम पर जो है बना हुआ है। तो धीरे धीरे जो है पब्लिक आना स्टार्ट हो गया है, दिखलाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे झांकी के माध्यम से दिखलाया गया है। ये देखो यहाँ पे पेड़ बना दिया गया है, और पेड़ में जो है बंदर बैठाया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है
चिंपांजी और एनाकोंडा सांप की लड़ाई जो है दिखलाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये बच्चा जो है बना हुआ है भाई, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चिंपांजी और एनाकोंडा सांप की लड़ाई करके लिखा हुआ है। देखो ये एनाकोंडा बना दिया गया है, बाकी ये देखो इस तरह से जो है चिंपांजी है। और बाहर में जो आप लोगों को दिखला रहा था वो है चिंपांजी, मैं उसी का नाम नहीं जान पा रहा था तो आप लोगों को अभी बतला रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो देख सकते हैं झांकी के माध्यम से बहुत अच्छा है, आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे पहुँच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं, कौन सा थीम पर बना हुआ है दिखलाते हैं। देखो यहाँ पे बना हुआ है भाई चिंपांजी एक नंबर, ये देखिए डराने के लिए ये बच्चे लोग जो है रोल करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये मस्त बना दिया गया, एक नंबर लग रहा है, मस्त सुंदर। यहाँ पे लिखा है झरना में चिंपांजी बंदर नहाने और अपनी मस्ती में मस्त। ये देखो भाई ये डराने के लिए यहाँ पे बनाया गया है, मस्त एक नंबर। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है झरना में चिंपांजी बंदर नहाते और अपनी मस्ती में मस्त, यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे हैं, उस थीम पर यहाँ पे बनाया गया, एक नंबर झांकी बनाया गया भाई। आप लोग अपना ना यूनिक बनाता है यार, हर साल की तरह इस बार भी मस्त बना हुआ है। यहाँ पे देखो पढ़कर मैं आप लोगों को पूरा बतलाऊँगा कि क्या थीम पर यहाँ पे बना गया है। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे जो है बंदर दिखलाए गए हैं, ये देखो, और वहाँ पे भी है बंदर बैठे हुए हैं, ये देखो ये भाई बना हुआ है मस्त है। ये देखिए बच्चे लोग को डराने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ चिंपांजी द्वारा क्या लिखा हुआ है, जंगल बचाने आवश्यक ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अच्छा सभा करते हुए जंगल को किस तरह से जो है बचाया जा सकता है उस सीन पर यहाँ पे बनाया गया, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जो है बंदर बैठा हुआ है और ये बना हुआ है बच्चे को डराने के लिए यहाँ पे बना दिया गया भाई, लड़के लोग बने हुए हैं, मस्त बनाया। आइए आप लोग भी, यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को पूरा पढ़कर बतलाऊंगा कि किस थीम पर मतलब जो है यहाँ पे झांकी के माध्यम से जो है दिखलाया गया है। यहाँ पे देखो एक बंदर यहाँ पे है, यहाँ पे पेड़ पौधे पूरा दर्शा दिए गए हैं, यहाँ पे पढ़ के मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो मस्त बनाया गया और एक नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है चिंपांजी द्वारा मनुष्य को बचाने सुरक्षित स्थान उस पार करने, मनुष्य को किस तरह से जो है उस पर पहुँचाया जा सकता है उस थीम पर यहाँ पे जो है बनाया गया है। देखो ये चिंपांजी है और यहाँ पे मनुष्य है, ये देखो, तो ये जो है नीचे में पानी भरा हुआ है उस थीम पर यहाँ पे बनाया गया है ताकि लोग आसानी से बाहर जा सके। यहाँ पे बना हुआ है, लिखा हुआ है सेव ट्री, यानी कि पेड़ों की सुरक्षा करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो मस्त बना हुआ है, हाँ मस्त, ये देखो बच्चे लोग के लिए डराने के लिए मस्त बना हुआ है भाई एक नंबर। और यहाँ पे लिखा है आइए अपने जन्मदिन को यादगार पल बनाएं, बस एक पेड़ लगाए, यादगार मतलब अपने जन्म दिवस के दिन में यहाँ पे आप पेड़ लगा सकते हैं, इस दिन पर यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे ये देखो मस्त बना हुआ है एक नंबर, मस्त एक नंबर आया हुआ बंदर यहाँ पे बन के, बहुत यूनिक बना हुआ है यार। और ये देखे यहाँ पे लिखा हुआ है चिंपांजी और डायनासोर लड़ते हुए, ये देखो भाई झूल रहा है हाय मस्त है। यहाँ पे देखो ये डायनासोर है और वहाँ पे है चिंपांजी, मस्त थीम बना यार इस बार भी, ये देखे आप लोग आइए फैमिली के साथ में यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अभी देखो पब्लिक जो है आ ही रहे धीरे धीरे, चुके हैं हमारे स्पाइडर मैन और हनुमान दिखलाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे देखो सामने में गणपति है, बहुत सुंदर लग रहा है, ये देखो चले पास जाकर अभी आरती वगैरह जो है चल रहा है यहाँ पे। और पंडाल की अगर बात किया जाए तो पंडाल बहुत सुंदर बना हुआ है, देख सकते हैं जैसे झूमर जो है लगाए गए हैं। पूरा पंडाल में तो पूरा कॉमेडी हो गया भाई, लोग आए हुए हैं,
पंडाल जिसको मैंने आप लोगों को दिखलाया हूँ और यहाँ पे माहौल देख सकते हैं इस तरह से। और ये टिकट काउंटर है और इस तरफ जो है मेला वगैरह लगा हुआ है, सामने झूला लगा हुआ है, कुछ कुछ झूला जो है नज़र आ रहा है जो चालू हुआ है, जैसे कि हवाई झूला जो सामने में नज़र आ रहा है वो अभी फ़िलहाल जो है बंद है। ये देखो अधिकतर देखना मेला वगैरह में जो है लड़कियों के लिए जो है मतलब सामान वगैरह आते हैं, जैसे कि माला जो है, गले का सेट है, कान का, नाक का, ये सब आपको मिल जाएंगे। इस तरफ जो है खिलौने वगैरह है जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और ये देखिए जूती वगैरह गर्ल्स के लिए हैं इस साइड में, और इस साइड में जो है खाने पीने की चीज़ें लगा होगा। सामने आप लोगों को दिखलाता हूँ, ये देखो खिलौने वगैरह मस्त सुंदर सुंदर। ये गेम देखिए, ये फंसाने वाला है, मतलब इसमें आपको छः जो है छोटा छोटा जो है बॉल रहता है उसको दिया जाएगा और ये वो नंबर रहेगा, नंबर यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं वो नंबर आएगा तो आपको ये सब इनाम दिया जाएगा। देख सकते हैं इसमें जो देखो सब लिखे हुए हैं, तो ये फंसाने वाला है। और ये रिंग वाला है, देख सकते हैं रिंग यहाँ पे, अगर आप खेलना चाहते तो आप भाई खेल सकते हैं। रिंग वाला पैसा इसमें देख सकते हैं, जिसमें अगर जाएगा रिंग तो वो पैसा आपको मिलेगा। और ये गुब्बारा मारा है, ये देखो ये बंदूक से आपको इसको जो है मारना होगा। और ये है झूला वाला, देख सकते हैं खास करके छोटे छोटे बच्चों के लिए विशेष तौर पर यहाँ पर लगा हुआ है। देखो ये वाला जो झूला है, और ये वाला जो झूला आप लोग देख सकते हैं चल रहा है, और ड्रैगन वाला जो झूला है वो चल रहा है, और ये घोड़े वाला भी फिलहाल जो है बंद है। आपको छोटा वाला जो दिखलाता हूँ मैं, ये देखो मिनी ट्रेन है, ये मिनी ट्रेन अभी जस्ट बंद हुआ है। ये देखो हवाई झूला भी फिलहाल बंद है, ये ड्रैगन वाला तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते तो दोनों आनंद ले सकते हैं, आप पंडाल का भी और झूले का आनंद ले सकते हैं अगर आपकी अगर इच्छा हो तो। कुछ झूला जो है अभी फिलहाल अभी बंद है, अभी आज पहला दिन है वो तो झूल नहीं रहे हैं, जैसे जैसे समय होगा फिर झूलेंगे लोग। ये देखो आसमानी झूला जो अभी फिलहाल बंद है, ये वाला देखो भाई ड्रैगन वाला ये चल रहा है, तो आनंद ले सकते हैं। गाइस तो ये वाला जो झूला चालू होगा ना तो एक नंबर लगेगा, ये वाला झूला अभी फिलहाल जो है बंद है। मार्केट मैंने आप लोगों को दिखला दिया, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इस तरफ जो है खाने पीने की चीज़ें लगा है, थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखला दूंगा। और ये वाला झूला स्टार्ट होने वाला है भाई, बस उसी का इंतजार है। आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, हल्का फुल्का जो है पानी टपक रहा है भाई, बारिश का समय भी है। और उधर वाला जो झूला चालू हो गया है तो ये देखो स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखो खाने पीने वाले इंस्टॉल में आ चुके हैं, इस साइड के एरिया में पूरा लगा हुआ। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। उस वाले सेक्शन में जो है लड़कियों के लिए सामान वगैरह जो है गले वगैरह का सेट, नाक वगैरह का सेट जो है वो मिल जाएगा। और इस तरफ के एरिया में जो है आपका खाने पीने के जो चीज़ें हैं वो मिल जाएगा आपको। और सामने में जो है पंडाल है, बहुत सुंदर पंडाल बना हुआ है, आइएगा आप लोग घूमने के लिए यहाँ पे। तो गाइस मैं आज आया हुआ था सटरबन का जो है गणेश पंडाल, बहुत अच्छा बना हुआ है, किंग कांग थीम पर बना हुआ है। और अंदर में बच्चे लोग जो है मतलब बंदर के रूप यहाँ पे दिखलाए गए और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे झांकी के माध्यम से जो है दिखाया गया। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।